बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस पाक खातून के पास अल्लाह का फरिश्ता आया और कहा, ए कुंवारी मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। खातून ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो कयामत तक पाकदामनी की मिसाल बन गई? वो खातून जिसे अल्लाह ने अपने ज़माने की तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम गन्ना था। हज़रत इमरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनकी अहलिया गन्ना दाऊद अलैहिस्सलाम की औलादों में से थी। हज़रत इमरान बनी इसराइल में बड़े आबिद जाहिद और आलिम थे, इसलिए मस्जिद अक्सा की इमामत लोगों ने आपके सपुर्द की हुई थी। हज़रत गुन्ना के यहाँ औलाद न थी। एक रोज़ आपने एक दरख्त के साय में एक चिड़िया देखी जो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी और इसे दाना खिला रही थी। यह मंज़र देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मरियम के पैदाइश से कबल आपकी वालदा ने मिन्नत मानी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए नज़र कर देंगी। यानी इसराइल के यहाँ ये रिवाज हुआ कि जो लड़का अल्लाह की नज़र का दिया जाता था वो ना शादी करता था ना दुनियावी मशागल में दिलचस्पी लेता था, इबादतगाह में खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। लिहाजा गुन्ना ने अल्लाह से बेटे के लिए दुआ की थी, लेकिन इनके यहाँ बेटे के बजाय बेटी की पैदाइश हुई। हज़रत गुन्ना ने लड़की का नाम मरियम रखा। शरियानी ज़ुबान में मरियम के माना खादिम के हैं। चूँकि आप मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी गई थी, इसलिए ये नाम मौजू समझा गया। हज़रत मरियम की विलादत से कबल ही आपके वालिद वफात पा गए, इसलिए गुन्ना ने विलादत के बाद आपको एक कपड़े में लपेट कर बैतुल मुक़द्दस के उलमा के सामने पेश कर दिया ताकि वो इन्हें अपनी किफ़ालत में ले लें। जब हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में लाई गईं तो मुजावरों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कोई ख़ुद को आपका ज़्यादा हकदार समझता था। फिर ये फैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिनसे वो तौरात लिखते हैं पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने के बजाय उल्टा रहेगा वो मरियम की किफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इनके कलम को अल्लाह ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहा दिया और वो इनकी परवरिश के हकदार हो गए। इस तरह बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, लिहाजा उनसे बढ़कर इनकी बेहतर परवरिश और कोई नहीं कर सकता था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दूसरे बच्चों की बनिस्बत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती रहीं। जब आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और अपनी खाला के घर प्रवेश पाकर कुछ बड़ी हुईं तो बैतुल मुक़द्दस में आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया। यहाँ जिक्र ज़करिया अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब हज़रत ज़करिया अरब के पास आते तो हैरान होते, क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में रखे होते। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछते कि ये फल कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन दे जाता है, तो हज़रत मरियम फरमाती, अल्लाह के पास से। अल्लाह ने ही बीबी मरियम को पसंदीदा और मोमना बंदी में शुमार किया था, जैसा कि सूरह आले इमरान में इरशाद हुआ। और जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और पाक कर दिया है और पसंद किया है तुम्हें सारे जहान की औरतों से, ऐ मरियम खलूस से इबादत करती रहो अपने रब के और सजदा और रकू करने वालों के साथ। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थीं। यहाँ तक कि बनी इसराइल में ये मशहूर हो गया कि बीबी मरियम नहायत ही इबादत गुजार पाकीज़ा और मुत्तकी खातून है।
और लोग आपका बहुत इज्जत और एहतराम करने लगे। फिर वो वक़्त आया जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए तो बीबी मरियम एक गैर मर्द को अपने हुजरे में देखकर परेशान हो गईं। हज़रत जिब्राइल आपके पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मरियम आपको देखकर बोलीं, अगर तू कोई खुदा तरस इंसान है तो तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राइल आपको तसल्ली देते हुए और पैगाम इलाही से बाखबर करते हुए फरमाते हैं, मैं तो तेरे रब का सरदार हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। फिर मरियम हैरान होकर फरमाती हैं, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी आदमी ने छुआ तक नहीं और ना मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्राइल ने कहा, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ऐसा इसलिए करेंगे कि इस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बनाएं और अपनी तरफ से एक रहमत और ये काम होकर रहना है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के गिरबान में फूंक मार दी जिससे आपका हमल ठहर गया। जब हज़रत मरियम हामला हुई तो ये खबर बनी इसराइल में आम हो गई कि हज़रत मरियम हामला हो गई हैं। इस पर बहुत से लोगों ने ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और आप पर इल्ज़ाम बोहतान लगाने लगे। हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस से निकल गईं और दूर एक मुकाम पर जाकर ठहरीं। आप इस मुकाम पर तन्हा रह गई थीं कि एक दिन आपको दर्द ज़ह शुरू हो गया। आपने एक दरख्त का सहारा लिया और तने को पकड़कर नीचे बैठ गईं। आप जिस दरख्त के पास बैठी थीं वो एक खुश्क दरख्त था। जब आप इस दरख्त को हिलाती तो मौजज़े से वो दरख्त सरसब्ज होकर फल देता था। हज़रत मरियम दर्द से बेचैन थीं, बदनामी का ख्याल था। आखिर घबरा कर कहने लगी कि काश मैं पहले मर गई होती और भूली बसरी हो गई होती। उस मुश्किल वक़्त में अल्लाह ने हज़रत मरियम के कदमों के करीब एक नहर को जारी कर दिया और निदा आई कि पानी पियो और खजूर खाओ ताकि जिस्म का तकवीत पहुँचे, फिर अपनी औलाद को देखकर आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इसी आलम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई। आप अपने बेटे को लेकर कौम के पास आईं, कौम के लोग आपकी गोद में बच्चा देखकर गज़बनाक हो गए और इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। हर तरफ से लोग ताना दे रहे थे, हालत ज़ार तंग हो गई। तब मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। सरकश लोगों ने कहा, भला ये दूध पीता बच्चा हमारे सवाल का जवाब कैसे देगा। अचानक ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया। बच्चे ने कहा, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे इसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है। मैं जहाँ कहीं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे सरकश बदबخت नहीं बनाया और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूँगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। उसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गईं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गईं। रिवायतों में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तारीख वफात 35 ईस्वी और आपकी उम्र 51 साल लिखा गया है। इस्लाम के अलावा कैथोलिक एहतराम की निगाह से देखते हैं और आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। हज़रत आयशा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ख़बर दी है कि जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनत इमरान, मूसा की बहन कलसूम और फिरौन की औरत आसिया से होगा।